तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को हुई बैठक के दो दिनों के बाद और विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन की पृष्ठभूमि में हुई है। कमेटी की बैठक के साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 8वीं लोकसभा के चुनाव हमारे सामने खड़े हैं। इसी संबंध में 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। हम कई दिशाओं में आगे बढ़े हैं। हमें समान विचारों वाले साथियों के साथ समन्वय बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि हमने 5 सदस्य वाली एक राष्ट्रीय गठबंधन गठित की है जो कि अन्य दलों के साथ गठबंधन की रूपरेखा तय करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लगभग 24 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। हम लोकसभा सीटों पर जल्द ही कोऑर्डिनेटर को नियुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को नागपुर में हम विशाल रैली करने जा रहे हैं। वहां से एक नया संदेश जाएगा, रैली ऐतिहासिक होगी। मैं ऐसी कामना करता हूं कि खड़गे ने कहा कि इसी के साथ पार्टी ने अपनी लड़ाई को और भी मजबूत करने के लिए एक बार फिर से जनता से उनका योगदान लेने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी है और डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी बिना चर्चा बहस के अहम विधेयकों को मनमाने ढंग से पास कराने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट रही है। संसद को सत्ता पक्ष के प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में विपक्ष ने पूरा सहयोग किया है, पर 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुई घटना के बाद विपक्षी सांसद गृह मंत्री का बयान देने और इस मुद्दे पर दोनों सदनों में व्यापक चर्चा करने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। खड़गे ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन पर विपक्षी सांसदों को संरक्षण देने का जिम्मा है, वैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुद दलगत राजनीति का हिस्सा बन जाति, क्षेत्र और व्यवसाय को ढाल बना करके राजनीति कर रहे हैं। वो संविधान के तहत मिले दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। पूरा देश इसे देख रहा है। हमारा 138 सालों का त्याग, बलिदान, संयम का इतिहास रहा है। देशभक्ति हमारे खून और डीएनए में है। अंग्रेजों के राज में भी हमारे पुरखों ने डरना और झुकना नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि हमें संयत और मर्यादित भाषा में सत्य के सहारे उनका जवाब देना होगा। वहीं काम हम सदन में भी कर सकते हैं और हमारी विचारधारा इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम उनकी तरह झूठ बोलें। वही काम करें जो आज यह सरकार कर रही है। खड़गे ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को न्याय दिलाने के संघर्ष के साथ हम विजय हासिल करेंगे। हमें उन बुनियादी मुद्दों पर हमेशा गौर करना है जिनको ये सरकार किनारे रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उन सवालों को हमें नहीं भूलना है जिन पर आगे की राजनीति प्रभावित होगी। जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण अहम मुद्दा रहेगा। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण तत्काल लागू हो और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण के दायरे में लाया जाए। खड़गे ने कहा कि ऐसे में बहुत से सवालों पर आज हमें मंथन कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कुछ ठोस रणनीति बनानी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते हैं कि राहुल गांधी जी से पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति राहुल गांधी के समक्ष ये बात रखना चाहता हूं और निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। आगे देखना ये होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति को और भी ज़्यादा पुख्ता करने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस अब अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर यानी धरातल पर उतारने के प्रयास में लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ जिस तरीके से लड़ाई उसकी है, उस लड़ाई में कितना आगे निकल पाती है, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।